Assalamu alaikum class, this is our class 3 and I have already told you that you have to install NetBeans to run the Java programs and the JRE, Java Runtime Environment latest version is needed for that and you if you are installing on the Windows 10 then you maybe you need the JDK, that is Java Development Kit. Okay, so I hope so that you have already installed on your PCs or systems. So start करते हैं आज का lecture. आज के lecture में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से Java का जो program है वो execute हो रहा होता है. आप लोगों को इतना idea होगा कि हम जब भी कोई प्रोग्राम C++ का हो गया या पाइथन का हो गया तो उसको किसी ना किसी टूल पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है. दैट मीन्स कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. कंपाइलर का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि वो उसमें जितने भी एरर्स होते हैं फाइंड आउट करके हमें बता देता है, देन हम उन एरर्स को रिमूव करते हैं, अगेन उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो सेम हमारे पास जावा की फाइल होती है. जावा की जो सबसे पहली फाइल आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, abc.java, abc फाइल का नेम आपने रखा हुआ है, ठीक है. डॉट जावा इसकी एक्सटेंशन है. जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा सी कमांड है. जब हम कमांड के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करते थे तो ये कमांड हम यूज करते थे, बट अब हम जो है ऑलरेडी टूल्स यूज कर रहे होते हैं जो कि यूजर फ्रेंडली होते हैं तो उसमें आपको कमांड्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. तो ये हमारे पास जो भी जावा की फाइल होती है वो कंपाइलर के पास जाती है. कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और उसमें एरर्स को फाइंड आउट करता है. अगर तो आपकी फाइल में कोई एरर है तो वो कंपाइलर आपको एरर शो कर देगा. आप उसको दोबारा से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और आप इस फेज पे आ जाते हैं जावा कोड के अगेन फेज पे आ जाएंगे और फिर अगेन उसको सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे. अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो उसका बन जाता है बाइट कोड. डेट मीन्स के आपकी जो डॉट जावा की एक्सटेंशन थी अब वो उसके लिए एक फाइल क्रिएट होती है जिसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास हो जाती है. ओके, दैट मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो अब किस तरफ जा रही है. हमें पता है कि जो हमारी मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है या जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. तो हमने एक्चुअली करना यही है कि जो भी जावा की फाइल है उसको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए हमारे सिस्टम से. ओके, तो डॉट क्लास की जब फाइल बनी तो वो हमारे पास अगेन जाती है. यहाँ पे JVM आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं. उसके अंदर क्लास लोडर होता है. क्लास लोडर ये काम करता है कि जो भी आपका बाइट कोड क्रिएट हुआ है या आपकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है वो उसको मेमोरी में लोड करता है, ठीक है, क्लास लोडर के थ्रू. देन उसके बाद बाइट जो भी आपका बाइट कोड वेरीफायर होता है वो उस बाइट कोड को वेरीफाई करता है कि क्या जो मेमोरी में बाइट कोड आया है जो क्लास लोडर ने लोड किया है वो ठीक है या नहीं, करेक्ट है या नहीं. ओके, उसके साथ ही आपको राइट साइड पे JIT नजर आ रहा होगा. JIT होता है जस्ट इन टाइम और ये हमारे पास बेसिकली होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है. ये इतना नेसेसरी नहीं भी है, तभी आपको ये डॉटेड लाइंस नजर आ रही है, बट अगर ये है मौजूद तो इसका मतलब यही है कि इसका बेसिक पर्पज ये है कि ये हमारे पास ऑप्टिमाइज कर रहा होता है जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को, ठीक है. वेरीफायर के बाद ये हमारे पास इंटरप्रेटर के पास चला जाता है आपका बाइट कोड और इंटरप्रेटर उसको क्या करता है, इंटरप्रेट कर देता है आपकी मशीन लैंग्वेज में. और फिर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारी मशीन है जो कि अंडरस्टैंड कर लेती है इस मशीन कोड को जो कि इंटरप्रेटर ने क्रिएट किया है. तो ये होल प्रोसेस है आपके जावा की फाइल के एग्जीक्यूशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो जावा का कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जावा का सिंपल प्रोग्राम और मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी. देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हम ये करेंगे कि हम नेटबीन्स में अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसमें छोटी सी एग्जाम्पल्स करके देखेंगे कि किस तरह से हम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्लास. सबसे पहले क्लास एक आपके पास क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड भी आप इसे कह सकते हैं. जैसे हम क्रिएट करते हैं इफ एल्स की कंडीशंस यूज करते हैं या हम लूप्स यूज करते हैं या हम मेन का फंक्शन लिखते हैं तो मेन में भी हमारे पास क्या होता है, मेन कीवर्ड होता है वो एज इट इज रहता है, उसको हम किसी और पर्पज के लिए यूज भी नहीं करते और उसका जो जो पर्पज उसका ऑलरेडी बना दिया गया है वो उसी लिए यूज होता है, ठीक है. हमने ऑलरेडी देखा था
प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ और क्लास ना हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्लास हमने बना दी है और हमने उसका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ. तो हमें क्या फायदा कि हम ना उसके किसी मेथड को यूज कर रहे हैं, ना उसके किसी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं. तो हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हमेशा साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आ रहा है क्लास, और उसके बाद स्पेस. सिंपल के नाम से हमने क्लास बनाई है. ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है. आप कोई भी नेम रख सकते हैं. नेम जो रखने के लिए हमारे पास रूल्स थे वो एज इट इज हैं कि आपके पास नेम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, डॉट नहीं आना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं रखते. आप ऐसा रीजनेबल सा नेम रखते हैं जो कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें. ओके, यहाँ पे आपको जो डबल स्लैश के साथ नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक कमेंट है, और कमेंट के लिए हम डबल स्लैश यूज कर लेते हैं. मेन मेथड बिगिंस एग्जीक्यूशन ऑफ जावा एप्लीकेशन. ओके, ये आपके प्रोग्राम का कोड का पार्ट नहीं है, जो कि एग्जीक्यूशन में आपका जो है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. उसके बाद आपको नजर आ रही है लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन ब्रैकेट्स हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ARGS जो आपको नजर आ रहा है इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, देन हमारा मेन के फंक्शन की ब्रैकेट्स क्लोज हुई. और उसके बाद जो भी आपकी बॉडी होती है वो कहाँ आती है, वो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आती है. जैसे हम ऑलरेडी फंक्शन को देख चुके हैं, वो C++ में भी हमने ऐसे ही किया था कि C++ में हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी आती है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आती है. तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी वही केस है, ठीक है. अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं या वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं. सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा पब्लिक. पब्लिक है जी एक एक्सेस स्पेसिफायर. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था और हमने कहा था कि स्ट्रक्चर्स और क्लासेस में ये डिफरेंस होता है कि स्ट्रक्चर्स का डाटा हमेशा पब्लिक होता है, वहां पे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास. बट हियर वी हैव एन ऑप्शन कि हमारे पास 3 टाइप्स के जो है स्पेसिफायर्स हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. बट मेन का फंक्शन जब भी आप जावा में लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा पब्लिक का ही वर्ड आएगा, ठीक है. उसके बाद स्पेस है. पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास हर जगह एक्सेस हो सकता है. स्पेस स्टैटिक का कीवर्ड है. स्टैटिक एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड आप इसे कह सकते हैं. इसका पर्पस ये होता है बेसिकली कि जब भी कोई फंक्शन हम स्टैटिक बनाते हैं दैट मीन्स के उसको कॉल करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है. स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. दैट मीन्स के मेन का हमारा फंक्शन है ये खुद ब खुद कॉल होना चाहिए. हमारी एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की हमेशा मेन से स्टार्ट होती है. दैट मीन्स के मेन का फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, इसलिए हमने इसके साथ क्या रख दिया, स्टैटिक का कीवर्ड रख दिया. ओके, स्पेस void. void हमारे पास क्या है, रिटर्न टाइप है और मेन में हमें कुछ भी रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, void रखते हैं. दैट मीन्स के कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा. स्पेस मेन आपके फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है. आप यहाँ पे यूजुअली जावा लैंग्वेज में हम जब भी फंक्शन को यूज करेंगे, फंक्शन के नेम को, तो हम ज्यादातर सुनेंगे कि मेथड है, ठीक है. तो हम फंक्शन की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कि ये हमारा मेथड नेम हो गया और ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी. उसके बाद आपके पास फंक्शन की ब्रैकेट्स आती हैं. हमारे पास उसी तरह से ब्रैकेट्स आ रही हैं, ठीक है. ये राउंड ब्रैकेट्स आ गई, उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. और ये हमारे पास जो है, हमें पता है कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं दैट मीन्स कि ये हमारी एरे है. इसका मतलब है हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप क्रिएट कर दी है, ठीक है. ये यूजुअली क्यों बनाई जाती है, ये हमारे पास इसका जो है आप कह सकते हैं कि रिजर्व सिंटैक्स है. जब हम पहले जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते थे थ्रू कमांड लाइन, जावा सी कमांड हम यूज करते थे, देन हमारे पास क्या होता था कि यूजर से कोई ना कोई एरे की फॉर्म में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते थे, जो कि कहाँ पे आते थे, इस मेन के फंक्शन, जब मेन का फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा तो इस मेन के फंक्शन के इस एरे में आ जाते थे, ठीक है. तो वो उस टाइम का हमारे पास जो है ये सिंटेक्स है. अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कमांड्स को, हमारे पास यूजर फ्रेंडली हमारे पास टूल्स मौजूद हैं. लेट सपोज जैसे हम नेट बीन्स यूज करेंगे तो इसका सिंटेक्स एज इट इज रहेगा. इसका बेसिकली पर्पस ये हुआ कि यूजर की तरफ से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं जो कि इस स्ट्रिंग एरे में आ रहे होते हैं, ठीक हो गया.
इसका मतलब ये है कि जब भी आपने जावा का प्रोग्राम रखना है, आपने स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपने हमेशा मेन के फंक्शन के लिए ये पूरी लाइन लिखनी होगी, ओके? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और ये फंक्शन या फिर ये मेथड हमेशा किसके अंडर आएगा? आपकी क्लास के अंडर आएगा, ठीक है? दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली, जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे कि मेन का फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया, void main या int main लिखा और स्टार्ट कर दिया, हम वैसे नहीं कर सकते। अब जब भी हमने जावा में प्रोग्राम लिखना है, आपने जब भी प्रोग्राम बनाना है, तो आपने हमेशा सबसे पहले क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है? आपने कोई भी क्लास का नेम रखा और उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, मेन का फंक्शन आ जाएगा। डायरेक्टली आप कभी भी अब कोई मेथड नहीं लिखेंगे जावा के अंदर, ओके? और मेन के फंक्शन के लिए हमारे पास हमेशा यही लाइन यूज होगी। सेकेंडली ये कि हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमेशा क्या होता है, एक ही मेन का फंक्शन होता है, ठीक है? उसके बाद फंक्शन के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है ये यूज होती है प्रिंट आउट करवाने के लिए। जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में सी आउट की स्टेटमेंट थी, कंसोल आउटपुट, वहां पे हम सी आउट और साथ में एरोज यूज करते थे, देन हम कॉमास में लिखते थे, ठीक है? यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। देन लास्ट में आपने सेमी कॉलन यूज करना है इसके, ठीक है? तो ये बेसिक जावा का प्रोग्राम है। हम अभी जो है नेटबीन्स में जब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे लेक्चर का, तो उसमें हम ये एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि क्या हमारे पास किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है, हमने कौन सा फाइल का नेम रखना है। उसमें भी आपके पास एक पॉइंट है जो कि आपने याद रखना होता है कि हमने फाइल का नेम कैसे रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं जावा वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के हमारे पास टोटल वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लोकल वेरिएबल्स, सेकेंड हमारे पास होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड हमारे पास होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ओके? जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो लोकल वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं। जहां पे हमें नीड होती है कि स्टैटिक वेरिएबल्स हम यूज करें, वहां पे हम स्टैटिक को भी यूज करेंगे, स्टैटिक एक कीवर्ड लग जाएगा आपके वेरिएबल से पहले, ओके? लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स कभी भी आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं करते, ठीक है? कभी भी आप ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि आपने फंक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल ली कि हमने मेन का मेथड बनाया था, ठीक है? अब अगर मैं अपना कोई फंक्शन यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, और उसके पहले हम क्या करेंगे, कोई रिटर्न टाइप हमने रखी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरी इस फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, ओके? अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, दैट मींस कि वो क्या होगा, वो लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल, लेट सपोज मैं ले लेती हूँ इंटीजर ए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। इसका मतलब है कि मैं कभी भी लोकल वेरिएबल से पहले एक स्टैटिक का कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकती, ओके? इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि आपकी क्लास के अंदर होते हैं बट मेथड के अंदर नहीं होते, ठीक है? प्रीवियस हमने देखा था कि हमने एक क्लास बनाई थी सिंपल के नाम से। लेट सपोज कि मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है। हमने एक क्लास बनाई थी सिंपल के नाम से, ठीक है? यहाँ पे हमारी करली ब्रैकेट्स आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज इसका नाम मैंने रख दिया इंट एक्स, ठीक है? उसके बाद हमारा मेथड जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इंट फंक्शन के नाम से एक मेथड हो गया, और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो रही है, ठीक है? यहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो रही है। अब इंट फंक्शन के अंदर जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट सपोज हमने ए किया था, तो यहाँ पे इंट एक्स जो है, जो कि आपकी क्लास के अंदर डिफाइंड है या डिक्लेयर है, जबकि आपके मेथड के अंदर नहीं है वो, दैट मीन्स कि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। और जबकि जो ए वेरिएबल है जो कि मैंने मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है, ये आपका बन जाएगा लोकल वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद थर्ड टाइप जो होती है वो हमारी होती है स्टैटिक वेरिएबल्स की। अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, इट कैन नॉट बी लोकल, यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल
and share among all the instances of the class. Static variables जो हैं वो हमारे पास जो हैं static keyword के साथ declare किए जाते हैं. Let's suppose जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर आके हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बट वो वेरिएबल सिंपल होता है. तो हमने अगर क्लास क्रिएट की है सिंपल के नेम से, वो इसके अंदर आके मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंटीजर ए, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है. बट अगर मैं इससे पहले एक स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर लेती हूँ, लेट सपोज स्टैटिक स्पेस इंट ए, दैट मीन्स कि ये स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया है. स्टैटिक वेरिएबल का पर्पस ये होता है कि आपके पास सिंगल कॉपी सारे इंस्टेंसेस के पास जो है जारी होती है. फॉर एग्जांपल अब मैं इस ए वेरिएबल को अगर असाइन कर देती हूँ इज इक्वल टू 4, ठीक है. लेट सपोज कि मेमोरी में ए के पास 4 पड़ा हुआ है और ये एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, तो जहां जहां मैं ए को एक्सेस करूंगी इसकी वैल्यू 4 ही एक्सेस होगी, ठीक है. और अगर मैं किसी एक मेथड में जाके कहीं पे भी जाके इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने वहां पे जाके 5 कर दिया, दैट मीन्स कि अब जहां जहां भी किसी भी मेथड में ए कॉल होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, 5 हो चुकी होगी, ठीक है, 4 एक्सेस नहीं होगा. इसका सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने C++ में देखा कि C++ में हमारे पास जब भी कोई स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तो वहां पे जो सिंगल कॉपी है वो शेयर हो रही होती है और जो लेटेस्ट कॉपी होती है वो शेयर हो रही होती है. दैट मीन्स कि अगर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है तो वही वैल्यू लेटेस्ट सबके पास जा रही होगी, ठीक है. तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हो गए जावा में. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, वो हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम देखते जाएंगे कि किस टाइप्स के हमारे पास होते हैं मेथड्स और किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं. यहाँ पे सिंपल सी एग्जाम्पल है कोड की. क्लास ए हमने क्रिएट की है, ठीक है. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है इंटीजर, डेटा के नेम से उसको हमने 50 असाइन कर दिया है, ठीक है. उसके बाद हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया. अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखती int m is equal to 100, that means कि वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता, बट यहाँ पे हमने इसकी स्टैटिक कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज कर दिया है, दैट मीन्स कि अब ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन गया, सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है. void method, हमने अपना एक मेथड क्रिएट किया और उसकी हमने रिटर्न टाइप को void रख दिया. आप कोई भी रिटर्न टाइप रख सकते हैं. उसके अंदर आके जब हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया int n is equal to 90, दैट मीन्स कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ओके. और आपने जब भी कोई मेथड लिखना है वो हमेशा क्लास के अंदर लिखना है, मतलब आपका जो भी प्रोग्राम होगा जावा का वो कभी भी विदाउट क्लास नहीं होगा, ना ही एग्जीक्यूट हो सकता है, ओके. उसके बाद हमारी ये क्लास एंड हो गई मेथड की एंड होने के बाद, और हमेशा आपने क्लास को क्लोज भी करना होता है. तो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसको हम नेटबीन्स पे करके देखेंगे कि आउटपुट हमारे पास कैसे आती है, ओके. डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा टाइप्स हमें पता है कि किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा आपने यूजर से लेना है, देन आपने उसको प्रोसेस करना है. तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल से पहले बता देते हैं कंपाइलर को कि इस टाइप का डेटा है और हमने इसी टाइप की वैल्यूज उसमें लेनी है. ऑलरेडी हमने काफी सारी डेटा टाइप्स को देखा हुआ है, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट, डबल, बुलियन. हमें पता है कि बुलियन में दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है. 1 bit हमारे पास इसका साइज होता है जावा में, फॉल्स और ट्रू. कैरेक्टर होता है जी, कैरेक्टर यहाँ पे 2 bytes का होता है, जिसकी जो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, कैरेक्टर्स ले सकता है ये, ठीक है. बाइट हमारे पास 1 byte हो गया, ठीक है. शॉर्ट 2 bytes ले रहा होता है, इंटीजर 4 bytes लेता है, लॉन्ग 8 bytes लेता है, फ्लोट हमारे पास 4 bytes ले रहा होता है जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं, डबल हमारे पास अगेन पॉइंट्स वाली वैल्यूज ही ले रहा होता है और इसमें 8 bytes आते हैं. ये देखिए यहाँ पे आपको एल, एफ और डी नजर आ रहा होगा, दैट मीन्स कि जब भी आपने इस टाइप का वेरिएबल खुद से इनिशियलाइज करना है तो आपने उसके बाद यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स यूज करने होंगे, ठीक है. फ्लोट के बाद आप एफ लगाएंगे तब कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ ये हमारे पास किस टाइप का है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज है. लेट सपोज कि मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ फ्लोट टाइप का, मैंने लिखा एफ एल ओ ए टी फ्लोट और मैं वेरिएबल नेम एक्स लिखती हूँ और मैं इसको यहीं पे वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ 4.5f, ठीक है. तो आप ऐसे वैल्यू असाइन करेंगे, तो ये जो आपके पास सिंपल लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं तो आपने इसी तरह से वैल्यूज को यूज करना है, ओके. उसके बाद हमारे पास जी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज होते हैं जावा में, उसी तरह से हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो मे बी आपका C++ से. यहाँ पे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है जी,
यूनि ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक ही ऑपरेटर है और आप उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के प्लस प्लस डबल आपने कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट, और इसमें भी हमारे पास आगे से टाइप्स आ जाती हैं। पोस्ट में हम क्या करते हैं, बाद में प्लस प्लस और माइनस माइनस लगाते हैं वेरिएबल के, और प्रीफिक्स में हमें पता है कि हम पहले लगा रहे होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा है, यूनि ऑपरेटर, दैट मीन्स कि एक ही ऑपरेटर है उसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटर्स को यूज करते हुए, ठीक है, ऑपरेंड हमारे पास यहाँ पे एक ही है। अरिथमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन रिमाइंडर, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट भी होती है और राइट शिफ्ट भी होती है, ये हमारे पास इसके लिए साइंस यूज होते हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास नंबर है वेरिएबल है उसकी जो बाइनरी होती है, बाइनरी कन्वर्जन, उसमें हमारे पास शिफ्ट दे दी जाती है, ठीक है, जीरोज और वंस को राइट पे या लेफ्ट पे मूव कर दिया जाता है, और फिर उसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, और जो नंबर हमारे पास कंप्यूट होकर आ रहा होता है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास शिफ्ट इसको कर दिया गया, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ यहीं पे। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है और उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब 10 की जो बाइनरी होती है वो हमारे पास 10s की फॉर्म में होगी, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये वाला ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है, और उसको हमने दो टू टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, दो हमने यहाँ पे लिख दिया टू वैल्यू। अब जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स कि हमारे पास जो 10 की वैल्यू बनती है बाइनरी में वो क्या बनती है, वो हमारे पास होती है 8 bytes में, जो है bytes की फॉर्म में, ये हमारे पास 8 bits आ जाएंगी, 0000010, ठीक है। अब हमने जब इसको लेफ्ट शिफ्ट देना है दैट मीन्स कि ये जो आपके पास लेफ्ट 2 zeros हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 0010000, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो 2 zeros थे ये अब मूव कर गए हैं हमारे पास लास्ट में, और नंबर हमारे पास ये किसके इक्वल बन जाता है, अब जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर इक्वल हो जाएगा 40 के, ठीक है। दैट मीन्स कि जब हमने लेफ्ट शिफ्ट देनी है तो हमने इस तरह से जीरोस को लेफ्ट से राइट पे मूव करवा दिया, ठीक है, राइट साइड पे आ गए हैं, ये मैं आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसी तरह से जब दूसरा ऑपरेटर हमारे पास यूज होगा जो कि राइट शिफ्ट के लिए यूज होता है, उसमें भी यही प्रोसीजर होगा कि 10 की वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, 0 0 बजाय लास्ट में जाने के हमारे पास स्टार्ट में हम उसको ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास राइट शिफ्ट हो जाता है। और वो राइट शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इस नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने नंबर्स की हमने शिफ्ट दी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज चेंज होती हैं। उसके बाद रिलेशनल हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन, जिसमें आ जाता है लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो गया, और इक्वालिटी में इक्वल और नॉट इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वालिटी जब भी हम चेक करते हैं, और इसी तरह से हमारे पास नॉट इक्वल के लिए नॉट का साइन एंड देन हमारे पास सिंगल इक्वल आ जाता है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स हमारे पास एंड हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया, बिट वाइज इंक्लूसिव और हो गया, ये हमारे पास उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे कि आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिंगल जो होते हैं, जो भी आपका नंबर होगा उसकी जो भी बिट्स चल रही हैं जीरो है, और राइट साइड पे आपके पास 1 है, तो 0 और 1 का एंड लिया जाएगा, और एंड का हमारे पास आंसर हमेशा, अगर एक भी 0 है तो 0 और 1 का एंड क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह और है, और हमारे पास इंक्लूसिव और है, ये हमारे पास बिट्स के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, और मोस्टली हम जावा में बहुत ही कम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को। लॉजिकल एंड का हमें पता है कि जब भी हमारे पास दोनों साइड्स पे कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारे पास आंसर में ट्रू आएगा, और के केस में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो जो हमारे पास आंसर है वो ट्रू में आता है। देन हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स इफ एल्स की जगह ही यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाती है, अगर तो वो ट्रू होती है तो हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे जो भी आपके पास स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट होती है एल्स के केस में वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वल भी हो सकता है। प्लस इक्वल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ए प्लस इक्वल
टू फोर. दैट मीन्स कि ए के पास जो भी वैल्यू स्टोर हुई हुई थी पहले, और मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, उसमें उस प्रीवियस वैल्यू में जो है फोर ऐड होगा, और देन वो अगेन वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी ए की मेमोरी में जाके. लेट सपोज ए के पास अगर फाइव था तो फाइव में फोर ऐड हो जाएगा. ठीक है, फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन, और हमारे पास अब जो ए की न्यू वैल्यू होगी वो हमारे पास नाइन हो जाएगी और प्रीवियस वैल्यू रिमूव हो चुकी होंगी. तो ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं. दैट मीन्स के जो प्रीवियस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होके हो जाए, डिविजन है, रिमाइंडर है, एंड है. ठीक है, इस तरह के हमारे पास जितने भी ऊपर हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसके साथ हम असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू. सो आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन एक जो है एस्केप सीक्वेंसेस हमने देखे हुए ऑलरेडी सी प्लस प्लस में भी पढ़े थे. इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं. आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी कि वहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड नहीं था. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक हमने यूज़ किया हुआ है. दैट मीन्स कि ये क्लास कहीं पे भी यूज़ हो सकती है. दैट मीन्स कि इस क्लास के अंदर जो डाटा है वो हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट वो डाटा भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए. उसके अंदर आके हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ. हमने वही स्टेटमेंट लिखी है और आपने ये अब याद रख लेनी है कि जब भी आप मेन का फंक्शन लिखेंगे जावा में तो क्लास के अंदर आप उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आपके पास ब्रैकेट्स में आ जाती हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. ओके, देन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज हुआ है, जो कि सी आउट की जगह यूज होता है प्रिंट करवाने के लिए. हमने प्रिंट करवा दिया वेलकम टू. ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा. ठीक है, डिफरेंस ये हो गया कि सिंपल हमने प्रिंट के बाद एल एन यूज कर लिया है और उसके बाद हमने लिखा है जावा प्रोग्रामिंग. देन हमने अपना फंक्शन क्लोज किया और हमारी क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई. अब इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी कि वेलकम टू, आगे नेक्स्ट लाइन पे आपके पास आएगा जावा प्रोग्रामिंग. दैट मीन्स कि अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे कुछ प्रिंट करवाना है तो आप उस स्टेटमेंट में प्रिंट एल एन यूज कर लेते हैं. ठीक है, एल एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे आपकी आउटपुट प्रिंट होकर आएगी. इसके अलावा हमारे पास स्लैश एन भी यूज हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आप एल एन यूज करें. आपने यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखा हुआ है, दैट मीन्स के फर्स्ट लाइन आपकी आ रही है वेलकम स्लैश एन, यानी कि आपके पास जो टू है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा. अगेन स्लैश एन आपने यूज की, उससे नेक्स्ट लाइन पे आपका जावा आ जाएगा. अगेन स्लैश एन यूज की तो आपके पास प्रोग्रामिंग लास्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा. तो आप एल एन के थ्रू प्रिंट करवाएं, आप एक ही लाइन लिखना चाह रहे हैं और उसके अंदर डिफरेंट आप जो है लाइन्स जो है प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बार बार स्लैश एन को एक ही लाइन के अंदर यूज कर लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर. बाकी ये पूरा प्रोग्राम एज इट इज ही है हमारे पास. ठीक है, सिंपल सा एक और हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं जावा के अंदर. यहाँ पे सेम हमने उसी तरह से क्लास ली है, क्लास सिंपल के नेम से. उसके अंदर हमारा मेन का फंक्शन आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. देन हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, इंटीजर बी इज इक्वल टू 10, और हम करना ये चाह रहे हैं कि हम दो नंबर्स को ऐड करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं. उस पर्पज के लिए हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए में भी 10 है, बी में भी 10 है. अब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जब करवाया तो उसके अंदर अब हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं. तो हम वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते. ठीक है, जब हम वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी उसकी वैल्यू है अब वो प्रिंट होकर आ जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करवाया है, अभी हमने यूजर से नहीं लिया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर यूज होता नजर आएगा आपको, नैरोइंग कास्टिंग का. और कास्टिंग या टाइप कास्टिंग का कीवर्ड में भी आपने सुना हो, अगर नहीं भी सुना तो उसका पर्पस ये होता है कि जब हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का, और फिर हम कोई दूसरा वेरिएबल किसी दूसरी टाइप का वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले वेरिएबल को असाइन करते हैं, दैट मीन्स के दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स डिफरेंट है बट हम आपस में उसको इक्वेट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कास्टिंग की जरूरत होती है. ठीक है,
अक्सर हमारे पास कास्टिंग खुद से कंपाइलर कर लेता है, ठीक है, और अक्सर हमें खुद से करनी पड़ती है। तो आपको जब ऐसा करने की ज़रूरत पड़े कि आपने खुद से टाइप कास्टिंग करनी है, लेट सपोज कि अगर हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है f इज इक्वल टू 10.5 f, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सिंटेक्स क्या है कि लास्ट में हमने f लाजमी मैंशन करना है, अदरवाइज एरर आएगा। उसके बाद अगर हम ये करें कि इंटीजर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया a और उसको हम फ्लोट असाइन कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स के फ्लोट की जो भी वैल्यू है वो हम ए को असाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास होगा क्या कि 0.5 तो हमें लाजमी चाहिए, ठीक है, 0.5 जो कि हमारे पास अक्सर हम ऐसी एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं कि जिसमें हमने पॉइंट्स को भी माइंड में रखना है, जैसे फिजिक्स की इक्वेशंस हो गई, फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम पॉइंट्स, माइनर पॉइंट्स वैल्यूज जो होती हैं वो भी हम माइंड में रखते हैं और उसको भी डील कर रहे होते हैं कंप्यूटेशन में। दैट मीन्स के जब हमने इस तरह की कन्वर्जन करनी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीजर ए, अब इंटीजर और फ्लोट दोनों डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप है, बट हम क्या करते हैं दूसरी डाटा टाइप को पहली डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया है इंट, उसके बाद हमने लिख दिया है अपने फ्लोट टाइप वेरिएबल का नेम एफ, ठीक है। दैट मीन्स के हमारा जो भी फ्लोट वेरिएबल है वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में और देन वो उसकी वैल्यू असाइन हो रही है ए को, ठीक है, डायरेक्टली हम असाइन नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास कहलाती है नैरोइंग कास्टिंग, के जब आप दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं तो आप इस तरह से पहले उसको फर्स्ट टाइप से मैच करवा के कन्वर्ट कर लें और फिर आप उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करवा लें। अब हमने एफ को भी प्रिंट आउट करवा लिया है और हमने ए को भी प्रिंट आउट करवा लिया, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल्स करके देख लेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कंपाइलर में क्या आउटपुट आ रही है हमारे प्रोग्राम की। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी थी। अब हम अगर इस तरह से असाइनमेंट करते हैं दैट मींस के काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 2 ऐड होगा और काउंट की जो भी मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वहां पे वो 2 ऐड होके वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये इक्वल होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 के। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ टोटल माइनस इज इक्वल टू डिस्काउंट, दैट मीन्स के टोटल की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा और टोटल की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। बोनस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि बोनस की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और देन बोनस की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। टाइम डिवीजन इज इक्वल टू रश फैक्टर का मतलब है कि टाइम की वैल्यू से रश फैक्टर डिवाइड होगा और फिर हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम हमारे पास चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू 100 है कि चेंज की परसेंटेज या रिमाइंडर लिया जाएगा 100 के साथ, और परसेंटेज मैं इसलिए कि वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट मीन्स के हम रिमाइंडर ले रहे हैं, ठीक है, ये वो वाली परसेंटेज नहीं है जो कि हम मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं। इस ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम रिमाइंडर ले रहे हैं 100 के साथ और चेंज में वो आके स्टोर हो जाएगा। अमाउंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस काउंट 2 का मतलब ये है कि अमाउंट की जो वैल्यू है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, काउंट 1 और काउंट 2 ऐड होंगे, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अमाउंट के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काउंट 1 ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि आप जावा में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे भी 1 by 1। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है जी इंक्रीमेंट, किस तरह से ऑपरेटर काम कर रहा होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हमने इंटीजर n इज इक्वल टू 1 लिया और m इज इक्वल टू 7 लिया। अब जब हम n प्लस प्लस कर रहे हैं और इसमें कोई और दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स के n की वैल्यू 1 थी और अब वो हमारे पास क्या हो चुकी होगी, ऑब्वियसली मेमोरी में n क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर रहे हैं तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ n इज चेंज्ड टू। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, जब आपने ये करना है कि स्टेटमेंट के साथ आपने वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है, वहाँ पे C++ में तो हम ये करते थे ना कि हम इस तरह से साइन लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू लिखी वो एज इट इज़ आ जाती थी और यहाँ पे साथ में हम वेरिएबल नेम दे देते थे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने डिफरेंस क्रिएट करना है वो आपने प्लस के साइन से करना है, दैट मीन्स के इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और आपने जब वेरिएबल की भी वैल्यू साथ में प्रिंट करवानी है तो आपने लाजमी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके प्लस का साइन मेंशन करना होगा, ओके। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज होके 2 हो गई है। अब जब हम m माइनस माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 7 की वैल्यू को जो है हम चेंज कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, 6 हो जानी चाहिए। तो जब हम इसकी वैल्यू m की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, m की वैल्यू 6 प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, n इज इक्वल टू 2 हमने डिक्लेयर किया और int वैल्यू प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2 क्रॉस n प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह से काम कर रहा होता है। n प्लस प्लस का मतलब है कि हमने इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट किया है और n के पास मेमोरी में पहले पड़ा हुआ था 2। ठीक है, अब जब भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं किसी इक्वेशन में, तो हमने इस ऑपरेटर का लाजमी माइंड में रखना होता है कि हमने किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ किया। अब यहाँ पे पोस्ट है, दैट मीन्स के बाद में इंक्रीमेंट होगा। एन के पास 2 पड़ा हुआ था, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू प्रोड्यूस जो भी वेरिएबल है उसमें हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद एन की वैल्यू क्या हुई, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ 2 से 3 हो जानी चाहिए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और अब जब हम एन की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू इंक्रीमेंट हो चुका है उसमें, तो ये हमारे पास इंक्रीज होकर क्या हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी। तो बेशक हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा हो डिक्रीमेंट हो रहा हो, हमने इस बात को माइंड में रखना होता है कि जब भी इक्वेशन में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि इक्वेशन में अगर पोस्ट हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स के पहले वाली वैल्यू जो भी थी वो यूज़ हो गई पूरी इक्वेशन में, उसके बाद हमारे पास मेमोरी में चेंज आया। इसी तरह अगर प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि पहले प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा मेमोरी के अंदर और देन वो वैल्यू उस इक्वेशन में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे उसी तरह से यूज होती है जैसे सी प्लस प्लस में थी। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टर एरे होती है। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया हुआ है स्ट्रिंग नाउन इज इक्वल टू और उसके अंदर कोई भी आप स्टेटमेंट दे दें। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स। एक और स्ट्रिंग ली है स्ट्रिंग सेंटेंस के नाम से, सेंटेंस इज इक्वल टू मैंने क्या किया, नाउन प्लस आर कूल। अच्छा, अब जब भी आपने कंकैटिनेशन करनी है स्ट्रिंग में जावा के अंदर, या आपने दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है इस तरह से भी मैं कह सकती हूँ, तो नाउन हमारे पास क्या है, नाउन के पास स्टोर है स्ट्रिंग्स और उसके साथ मैं कंबाइन कर रही हूँ डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को जो कि क्या है, आर कूल। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या लिखा पाएगा, स्ट्रिंग्स आर कूल। स्ट्रिंग्स के फौरन बाद आर कंबाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन के थ्रू हम इसको कंबाइन करते हैं और साथ में स्पेस के साथ कूल आ गया। दैट मींस के ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में क्या हो गई हैं, कंकैटिनेट हो गई हैं। तो जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू इस सेंटेंस को, इस वेरिएबल को जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगी। ओके, स्ट्रिंग के डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने लिया ग्रीटिंग के नेम से इज इक्वल टू हेलो, उसमें हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। ठीक है, अब जब मैं ग्रीटिंग डॉट लेंथ का फंक्शन जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है इसको यूज करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी हमारी इसकी एच ई एल एल ओ हमारे पास 5 लेटर्स हो गए और ये लास्ट वाला लेटर हो गया कैरेक्टर का, स्पेशल कैरेक्टर का, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 रिटर्न होकर आएगा। ओके, स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो अगर हम दोबारा से इनिशियलाइज करते हैं और मैं यूज करती हूँ ग्रीटिंग डॉट इक्वल्स का फंक्शन, तो इक्वल्स का फंक्शन किसको कंपेयर करता है, जो भी हमने अंदर स्ट्रिंग दी है। ठीक है, हम डायरेक्टली जब भी स्ट्रिंग देंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे, अगर हम स्ट्रिंग का वेरिएबल देंगे तो हम सिंपल वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो हेलो के साथ जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, अब मैंने सिंपल इसमें भी हेलो रखा है इसमें भी हेलो रखा है, दैट मीन्स कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो आंसर में रिटर्न होकर आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, ग्रीटिंग डॉट इक्वल्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी तरह से हमने ग्रीटिंग में हेलो रखा हुआ है बट मैं अब कंपेरिजन कर रही हूँ स्ट्रिंग का गुड बाय के साथ, तो ऑब्वियसली गुड बाय इज नॉट इक्वल टू हेलो, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, अगेन हमने स्ट्रिंग जो ग्रीटिंग का वेरिएबल है उसमें मैरी और इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर असाइन किया। अब जब मैं यूज करूंगी ग्रीटिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस मैरी रिटर्न्स ट्रू, इग्नोर केस का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m है और यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग कंपेयर कर रही हूँ वो कैपिटल m के साथ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस का, ये लेटर्स के स्मॉल होने को या कैपिटल होने को इग्नोर कर देगा और सिर्फ स्पेलिंग्स को जो है मैच करेगा, तो वो बिल्कुल ही इक्वल है, तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर में रिटर्न होकर आएगा वो ट्रू आएगा। स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हाई मैरी, हमने इसको असाइन किया। ठीक है, देन मैं ग्रीटिंग टू लोअर केस का फंक्शन लगा रही हूँ, तो इसका मतलब है जो भी हमारे पास स्ट्रिंग थी ग्रीटिंग का वेरिएबल हमने
लिया ठीक है, और उस पर कॉल कर दिया टू लोअर का केस का फंक्शन, तो ये हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस में प्रिंट होकर आ जाएंगे हाई मैरी की फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास टू अपर केस का फंक्शन भी होता है, आप स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम लिखें ठीक है, डॉट लगाएं और टू अपर केस में कन्वर्ट कर दें तो वो अपर केस में आपके पास आ जाएगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो हमने असाइन किया और ग्रीटिंग डॉट चार एट जीरो रिटर्न्स एच। अब चार एट का जो फंक्शन होता है, जो भी हम इंडेक्स नंबर देते हैं उस पर जो भी वैल्यू या जो भी लेटर होगा वो रिटर्न हो जाता है, और जीरो इंडेक्स पे एच पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि हमारे पास आंसर में क्या आ गया, एच आ गया। स्ट्रिंग सैम्पल इज इक्वल टू हमने ये स्ट्रिंग सैम्पल के वेरिएबल को असाइन कर दी है, सैम्पल डॉट सब स्ट्रिंग टू जब हम करेंगे तो टू का मतलब ये है कि इंडेक्सेस हमारे पास काउंट होंगे जीरो वन टू ठीक है, सी से स्टार्ट होगा और एंड तक हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न हो जाएगी सब स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड हम दो जो है नंबर्स भी पास कर सकते हैं, स्टार्ट का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड का मतलब है एंड का जो भी इंडेक्स है आपको वैल्यू चाहिए वो। स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हाई मैरी हमने असाइन किया ठीक है, ग्रीटिंग डॉट इंडेक्स ऑफ मैरी, मैरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है ठीक है, इसका हमें अगर इंडेक्स नंबर चाहिए तो वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा थ्री, जो कि क्या है जीरो वन टू, स्पेस पे हमारे पास टू इंडेक्स होगा और थ्री हमारे पास एम का जो है इंडेक्स हो गया, तो जो भी पहला एम होगा पूरी स्ट्रिंग में वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैरी थ्री से, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर में थ्री आ जाएगा ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग फंक्शंस थे स्ट्रिंग के जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और इसको वन बाय वन हम यूज करके देखेंगे भी कि ये किस तरह से यूज होते हैं। स्केप सीक्वेंसेस हमारे पास उसी तरह से हैं सी प्लस प्लस की तरह के, हमारे पास स्लैश भी है यहाँ पे ठीक है, और स्लैश और डबल कोट जो अब आप यूज करेंगे तो इसका मतलब है इसकी जगह रिटर्न होकर आपके पास प्रिंट होकर जो आएगी वैल्यू वो डबल कोट्स आएंगे। सिंगल कोट के लिए सिंगल स्लैश के साथ सिंगल कॉमा लगाते हैं ठीक है, अगर आपको बैक स्लैश प्रिंट करवानी है तो आप डबल स्लैशेस लिखेंगे, अगर आपने न्यू लाइन पे जाना है तो स्लैश एन, कैरेज रिटर्न जो कि आपको बिगनिंग पे ले आता है आपकी करंट लाइन के स्लैश आर, टैब की स्पेस देने के लिए आप स्लैश टी यूज करते हैं ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है स्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने जावा के प्रोग्राम में। इसके बाद हमारे पास सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं ठीक है, इसको अभी हम कवर नहीं कर रहे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, अभी हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम नेट बीन्स को यूज करते हैं और अपने सिंपल प्रोग्राम्स जावा में एग्जीक्यूट कर सकते हैं।